शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वाह भाभी जी, क्या बात, क्या खाना बनाया आप। मतलब जी करता है कि खाने के साथ साथ उंगलियां भी चबा जाऊं। वाकई भाभी, कमाल है आपके हाथों में। वाकई कमाल का खाना बनाया आज। आज भाई इसी महीने में 10वीं बार खाना खा रहा हूं। 10वीं बार भी मुंह से वाही निकला है। क्या किस्मत है तेरी, बहुत अच्छी बीवी मिली है तुझे। सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न, इसमें तो कोई शक नहीं। मतलब कभी कभी तो मैं भी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पाता। मुझे प्रियंका जैसी इतनी सुंदर, इतनी अच्छी पत्नी मिली। बस बस अब रहने दीजिए, इतनी तारीफ नहीं पसंद है मुझे। अरे भाई तारीफ कहाँ कर रहे हैं, सच बता रहे हैं। क्यों संदीप? हाँ बिल्कुल। पहले बता दिया होता, हम कब से आपका वेट कर रहे थे कि आज साथ में खाना खाएंगे। और ये आजकल क्या हो गया आपको, इतनी एसिडिटी क्यों हो रही है? पता नहीं, डॉक्टर को दिखाऊंगा, तुम लोग खाना खा लो। दी, हम लोग खाना खा ले। हाँ जी, चाय की बत्ती खत्म हो गई है। अच्छा मैं लेके आता हूँ अभी। आए Thank you.
आप यहाँ की बात में वही नाश्ता लेके आ रही हो ना? अरे कुछ नहीं भाभी जी, बस सोचा आपकी थोड़ी मदद कर दूँ। बोलिए क्या करूँ? नहीं नहीं, यहाँ सब काम हो गया है, बस पकौड़ों के बाद ये चाय बनाऊंगी। जाइए आप, मैं आती हूँ। अरे प्रवीण, तुम यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, सोचा भाभी जी की कुछ मदद कर दूं, पर उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं है। हाँ ये तो है, कि हमें भी कहाँ कुछ करने देती, सारे घरेलू काम खुद ही करने। चलो हम लोग वहीं बैठते हैं। चल चाय पीजे। अरे 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 थैंक यू यार, थैंक यू। और भैया पकौड़े भी? अरे हाँ बिल्कुल भाई, हाँ तो कब से ज्वाइन करूँ बता? कभी भी आ जा यार, तेरी दुकान है, कल आ जा। कल से ही आऊंगा। ठीक है ठीक है, आज तो तरह घूमने जाना। बहुत बढ़िया पकौड़ी भाभी, थैंक यू सो मच। एक ग्लास गर्म पानी मिलेगा? जी बिल्कुल, पहले नाश्ता कर लीजिए फिर। इंसान को पता नहीं चलता कि वो क्या देख रहा है। मैं ही हकीकत हूँ, तुम्हारी जिंदगी ही ऐसी हकीकत जो तुम चाह के भी छुटला नहीं सकते। छोड़ उसको, वो मेरी है, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। अच्छा ये तो उससे प्यार करती? चल झूठा, ये मेरे जिंदा रहते कभी किसी और के बारे में सोचेगी भी नहीं। प्यार करना तो बहुत दूर की बात है ना जान? बिल्कुल। चले संदीप, संदीप संदीप, प्रियंका मेरी है, संदीप वो मेरी है, वो मेरी है। क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों हो? कुछ नहीं, इंतजाम ना सपना देखा, तुम सो जाओ। ठीक, बारे में सोचेगी भी नहीं। प्यार करना तो बहुत दूर की बात यार। प्रवीण एक बात कहूं? ना बिल्कुल सच, पता है भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा रही, भगवान ने मेरी जिंदगी में
दो ऐसे लोग भेज दिए जिन्होंने मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी। एक मेरी सर्वगुण संपन्न सुंदर पत्नी प्रियंका और दूसरा तू, मेरा जिगरी, मेरा दोस्त, मेरा यार, जिसने अपने बेरोजगार दोस्त को न सिर्फ मोबाइल की दुकान में नौकरी दी बल्कि मेरी छोटी से छोटी जरूरत को भी समझा, उसका ख्याल रखा। नहीं यार, सच में मैं नहीं जानता कि मैं तेरा ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा। चुका सकता है। अच्छा, ये पैक पीकर इसमें कौन सी नई बात है। चेयर। अरे भाई क्या बात है, दोनों भाई बहन बहुत चुपचाप बैठे हैं, सब ठीक है? उसमें कौन सी नई बात है जी देवी? आपने हम दोनों को कब शोर मचाते देखा? ये भी बात सही है। अर्श, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? हर रोज तो बड़ा इंतजार कराते हो। अरे कुछ नहीं, बस आज दुकान में मन नहीं लग रहा था और भूख बहुत लग रही थी, तो सोचा घर जाके खाते हैं, कुछ गर्मा गर्म खिला दो यार। ठीक है, आप फ्रेश होइए, तब तक मैं आपके लिए कुछ बना के रखती हूं। ठीक है। और तुम पर जी, मैं आ रहा हूँ, आप परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आ रहा हूँ। कविता, कविता। आई। क्या हुआ? अरे वो प्रियंका भाभी का फोन आया था, संदीप की तबीयत बहुत खराब है, उल्टियाँ कर रहा है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, सुनिए नाश्ता मैं आगे करता हूँ। भाभी रेगुलर वाली पी थी, मैंने भी पी थी, पर इसने थोड़ी ज्यादा पी ली और इसको बर्दाश्त होती नहीं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कौन सी दवा है? पहले डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर दे देंगे ना। अब ले चलेंगे भाभी जी, ले चलेंगे, ले चलेंगे भाभी जी, ले चलेंगे। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया है कि मोबाइल की दुकान खोलने से पहले मैंने 7 साल कंपाउंडर का काम किया, मुझे दवाइयों का अच्छा ज्ञान है। देखिएगा, इसको नींद भी आ जाएगी और उलझा भी हो जाएगी। देखो भाभी जी, अभी देखिए सो भी गया है और इसकी उल्टियां भी रुक गई। अब मानती है ना अपनी देवर को, थोड़ी बहुत डॉक्टरी हमें भी आती है। भाभी जी, एक ग्लास गर्म पानी दो।
संदीप जी उठिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी उठिए, संदीप जी, संदीप जी आंखें खोलिए। प्रवीण जी, प्रवीण जी जल्दी आइए, प्रवीण जी। जी बाबूजी। देखिए मैं इनको क्या हो गया, आंख ही नहीं खोल रहे। संदीप, 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 आंखें खोलो संदीप। संदीप इस दुनिया में नहीं था। मैं किसके सारे जीऊंगी? भाभी जी संभालिए अपने आप को, हिम्मत रखिए, संभालिए। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, सामान रख दीजिए, मैं भी बाथरूम में हूँ, नहा के आती हूँ। भाभी जी आप ठीक तो हैं? मैं बाथरूम में फिसल के गिर गई। भाभी जी, भाभी जी अगर आपका नहाना हो गया हो तो आप दरवाजा खोलिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। भाभी जी, अरे भाभी जी, भाभी जी अपना हाथ दीजिए, भाभी जी उठिए। मैं आपको उठाता हूं भाभी, बिल्कुल परेशान मत होइए, रुकिए। जी आप ठीक हैं? कुछ बाम वाम लगा दो? नहीं मैं ठीक हूँ, बाद में लगा दूंगी। देखा प्रवीण जी, अकेले रहने का क्या, कभी कुछ भी हो जाए कोई पूछने वाला नहीं होता। वैसे ये शिकायत मुझे आपसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप हर बार मौजूद थे जब मुझे जरूरत थी। देखिए कभी कभी बहुत डर लगता है इस अकेलेपन से, कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। भाभी जी इसलिए तो मैं आपसे कहता हूँ, आपको अकेले नहीं रहना चाहिए, आपको एक ऐसे अपने की जरूरत है तो खुद से ज्यादा आपका ख्याल रखिए, और वो अपना मैं बन सकता अगर आप इजाजत दें तो। मैं वादा करता हूँ
मैं खुद से ज्यादा आपको प्यार करूंगा, आपको वो सब दूंगा जो आप डिजर्व करती हैं। आप एक बार मुझे मौका दीजिए। यकीन नहीं होता मुझे मेरी किस्मत पर, जिसको पाने की हैसियत मेरे ख्वाबों में भी नहीं थी, आज उसकी गोद में सर रख के सो रहा हूँ। मुझे भी कहाँ पता था कि अपना पहला प्यार खोने के बाद मुझे दोबारा किसी से सच्चा प्यार होगा। आपने तो मुझे जीने का एक मकसद दे दिया। अब मैं आखिरी सांस तक सिर्फ आपके होके रहना चाहती हूँ। तुम्हारी सौतन का पोटेंशियल मत लो, बहुत जल्दी मैं से डिवोर्स देकर तुमसे शादी कर लूंगा और फिर हमेशा हम साथ रहेंगे। हेलो, हाँ बोलो। क्यों फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अरे साइलेंट पे था, देखा नहीं। हाँ बताओ क्या बात है? अरे कुछ नहीं, बस पूछ रही थी कहाँ हैं आप और घर कब तक आ रहे हैं। मैं रास्ते में ही हूँ, 10-15 मिनट पहुंच जाऊंगा। आजकल आप लेट नहीं हो रहे बहुत ज्यादा? दुकान पर अकेले रहता हूँ, अब संदीप भी नहीं है तो सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है। इनफैक्ट मुझे रास्ते में भी कुछ काम है तो 10-15 मिनट और लग जाएगा। ठीक है, घर आके बात करता हूँ। जाना पड़ेगा जान, पर कल सुबह ही सुबह आ जाऊंगा तुम्हारे पास। पक्का? बेवजह चिल्ला रही हो, ऐसा कुछ नहीं था, तुम समझ रही हो। जीजा जी झूठ मत बोलो, मैंने आप दोनों को खुद देखा है। और तुम, तुम्हारे पति को मरे हुए 2 महीने नहीं हुए, तुमने दूसरा मर्द फंसा लिया।
मैंने आज तक तुम्हारे जैसे बेहया औरत नहीं देखी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। खबरदार जो एक भी शब्द और बोला। तुम्हें सच जानना है ना तो सुनो, प्रियंका और मैं एक दूसरे को प्यार करते हैं। और तुम्हें अगर ये मंजूर हो तो ठीक, नहीं तो तुम मुझसे तलाक ले सकती हो। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, समझाओ ना इनको। जीजा जी, आप बहुत गलत कर रहे हैं मेरी दीदी के साथ, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अरे ओ, मेरे टुकड़ों में पलने वाले, चुपचाप अपनी दीदी को लो और निकलो यहाँ से। अगर इस बार मैंने तमाशा किया ना तो बहुत महंगा पड़ेगा। दीदी चलो यहाँ से। और तू मेरी बहन का घर उजाड़ने की कोशिश कर रही है ना, देख मैं तेरा भी बसने नहीं दूंगा। अब चुपचाप यहाँ से निकलो, जब करूँ तुम दोनों का इंतजाम। अरे तुम क्यों रो रही हो? अरे इन दोनों की क्या मजाल जो हमारा कुछ बिगाड़ लें? तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। छोड़ दे, इस बार जिंदा छोड़ रहा हूँ, अगली बार ऐसा हुआ ना तो जान से मार दूंगा, समझी क्या? ले, चल दे। कौन थे वो लोग? मुझे बहुत डर लग रहा था, तभी मैंने आपको कॉल किया। वो लोग मुझे जान से मार देंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तो बिल्कुल परेशान मत हो। मैं अभी जाके उन दोनों की ऐसी खबर लेता हूँ ना। क्या इंदा वो तुम्हारे उस घर की तरफ भटकेंगे? रुक जाइए, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? ठीक है, मैं भी तो रुक जाता हूँ। लेकिन उन दोनों को इस नीच हरकत का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो यही चाहते हैं ना कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, हम आज ही शादी करेंगे और उसके बाद यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, जिसकी भना किसी को भी नहीं होगी। प्रियंका बोलो, मुझसे शादी करोगी? नहीं खाओगी? नहीं खाना। थोड़ा सा खा लो प्लीज, थोड़ा खा लो। मेरी बात मानो, ऐसे भूखे रहना अच्छी बात नहीं है। चलो मैं खिलाता हूँ, लो। दीदी, उस प्रियंका ने जीजा जी से शादी कर ली, मुझे अभी भी पता चला। तो आखिर उस चुड़ैल ने मेरे पति को मुझसे छीन ही लिया, लेकिन मैं भी उसे छोड़ूंगी नहीं। तू चल मेरे साथ अभी अभी वहां से। वो दोनों वहां नहीं मिलेंगे, ये न्यूज सुनते ही मैं वहां पर गया था, वहां ताला लगा था। मुझे
मोहन मुझे मेरा पति वापस चाहिए, प्लीज कुछ कर। दीदी वो वापस आएंगे, तू चिंता क्यों करती है? चाहे उस प्रसाद की चढ़ को वो पाताल में भी छुपा दे, मैं उसे वहां से भी ढूंढ के निकालूंगा। प्रियंका, प्रियंका, अरे ये सब कैसे हो गया? वो दोनों नकाबपोश आए थे, उन्होंने मुझे बहुत मारा, मुझे तो लगा ही नहीं था मैं बचूंगी कि नहीं, पर फिर उनको कुछ आहट सुनाई दी और वो सुन के वो चले गए, तब जाके मेरी जान बची, वरना पता नहीं क्या होता। अरे तो तुमने उनको गोली से क्यों नहीं मार दिया? ड्रॉअर में गन रखी है, तुम्हें पता तो है। आपने कभी मुझे गन चलाना सिखाया है क्या? अगर आज मुझे गन चलाना आता तो मैं उन दोनों को नहीं छोड़ती। तुम रो मत, मैं सिखाऊंगा तुम्हें गन चलाना। मैं कहा था ना तुम्हें गन चलाना सीखना, मैं सिखाऊंगा। ठीक है, मैं प्रियंका गन नीचे करो, कहीं गलती से चलवल गई तो मैं सीधा ऊपर पहुंच जाऊंगा। वही तो भेजना चाहती हूँ मैं तुझे। गन नीचे करो प्रियंका, मैं तुम्हारा पति हूँ। अबे चुप। पति? पति तो मेरा कब का मर चुका है, तूने तो मारा था उसे। क्या बकवास, संदीप मेरा दोस्त था। चुप। दोस्त? अब तूने उनको दोस्त बोला ना तो अभी ठोक दूंगी। दुश्मन थे तुम उनके, तभी तो तेरे गंदे इरादों की वजह से उन्हें उनको कत्ल कर दिया। मैं तो उसी दिन समझ गई थी जिस दिन मैंने अपने बिस्तर के पास एक सुई देखी। जहां तक मुझे आता, मेरे घर में मैंने या मेरे पति ने पिछले 6 महीने से कोई इंजेक्शन नहीं लिया था। फिर मुझे याद आया कि मैंने अपने मरे हुए पति के हाथ पे इंजेक्शन जैसी किसी चीज का एक निशान देखा था। मुझे हैरत हुई कि मेरे पति को इंजेक्शन कब, किसने और क्यों लगाया। तभी मुझे तेरा ख्याल आया, तूने हमारी कितनी देखभाल करी, रात रात भर जगता था हमारे लिए, मेरे पति को दवाई दी, डॉक्टर भी तू ही लाया था। तभी मुझे ख्याल आया कि उनको शराब पिलाने वाला भी तू ही था, और जिसने मुझे मेरे पति को अस्पताल ले जाने से किसी ना किसी बहाने रोका वो भी तू ही था। और तभी मेरे दिमाग में एक बात खटकी, मेरे पति को इंजेक्शन भी तूने दिया होगा, उसी इंजेक्शन की वजह से उनकी मौत हुई है। और तभी मैं तेरा मकसद समझ गई, और तभी मेरे दिमाग ने और तेरी हरकतों ने मुझे इस बात का संकेत दिया कि तू मुझे पाना चाहते है। लेकिन इस बात की पुष्टि भी जरूरी थी, और तभी मैंने तेरा मन टटोलने की कोशिश की, उससे नजदीकियां बढ़ाई, आखिरकार तेरा मकसद मेरे सामने आ ही गया। और तब मैंने सोचा कि मैं तुझसे बदला लूंगी। मैंने कई बार कोशिश की,
लेकिन तू बच निकला। मैं तुझे मारने की आधी अधूरी कोशिश नहीं करना चाहती थी कि कहीं मुझे दोबारा मिले या ना मिले। इसीलिए जब तूने मुझे बताया कि तेरे पास एक गन है, तब मैंने एक प्लान बनाया। ये सब कैसे हो गया? वो दोनों नकाब पोश आए थे, उन्होंने मुझे बहुत मारा। गुंडों को बुलवाया, अपने ऊपर हमला करवाया और घायल होने की एक्टिंग करी कि तुम्हें ऐसा लगे कि मेरी जान खतरे में है। तुम्हें ये एहसास दिलाने के लिए सब किया मैंने। तुझसे मैंने गन चलाना सीखा और ये सब कुछ मैंने इसी पल के लिए किया कि तुझे मार सकूं। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार करता था, तब भी करता था और आज भी करता हूं। तुम्हें अपना बनाना चाहता था। देखो मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। वैसे ही मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? तुम भी नहीं बचोगी। बचना किसको है? यहीं बैठी रहूंगी तुझे मारने के बाद और सब कुछ खुद कबूल करूंगी ताकि सबको पता चले कि मैंने अपने पति के कातिल से कैसे इंतकाम लिया।